आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज हम देखेंगे कि कैसे हम लिनक्स मशीन को लाइव यूज कर पाएंगे, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता है वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, मैंने पहले पिछले क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ कि ये चीजें कैसे वर्क करती है, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि काली लिनक्स मशीन को कैसे हम विदाउट एरर के इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। देन इस वीडियो में आप फॉलो करिए पूरे स्टेप को। देन आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर होगी एंड पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक उबंटू या फिर कालियानिक्स मेट या फिर विंडो 10 या फिर विंडो 7, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल हम हैकिंग के लिए प्रैक्टिकल लैब क्रिएट करने वाले हैं, तो आप पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में आ चुका हूँ। बेसिकली इसके बाद आपको वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर रखा हूँ। तो सिंपली आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है गाइस, मैं आपको आगे दिखा लेता हूँ। ये है मेरा वर्चुअल बॉक्स, तो सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे आपको रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पर आपको सिंपली नेस्ट करना है, फिर आपको कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेना हो, आफ्टर दैट आपको नेस्ट करना है। जैसे कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल इजी है गाइस, आप वन क्लिक में से इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल लैब क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक आप बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, विंडोज 7, विंडो 10 या फिर लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, काली लिनक्स या फिर मेंट वगैरह, जो भी आपको यूज में लाना है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हो वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। बेसिकली ये सारे जो प्रोसेस है वो वर्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। इसके अंदर हम देखेंगे हैकिंग के लिए प्रैक्टिकल लैब क्रिएट करेंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। मैं पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि डाउनलोड कहाँ से करना है आपको। यहाँ पर प्रोसेस में कुछ टाइम आपको लग सकता है, तो आपको सिंपली कुछ टाइम वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो प्रोसेस है ऑल ओवर कम्प्लीट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो प्रोसेस है कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका पीसी को आपको रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस कुछ नहीं करना, आपको वापस से अपने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई सा भी एक नाम सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर गाइस कोई सा भी एक नाम रख सकते हो, लाइक काली लिनक्स या फिर अपना एक निक नेम रख सकते हो। इसी के साथ जो सेकंड में है यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है, लाइक आप लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं लिनक्स सिंपली क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपको 64 बिट्स रखना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना मेमोरी जो भी है या फिर रैम जो भी आपको लगे सही। आपको सिंपली मैं 1.5 GB सेलेक्ट कर देता हूँ, अपडेट यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। सिंपली आपको प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। देन इंस्टॉलेशन बिल्कुल ईजी है गाइज, आप चुटकी में इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टोरेज रैम वगैरह सारा चीज को आपको देखते चलना है। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर जो बेसिक से सेटिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर जाना है। जैसे आप सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसेस, यहाँ प्रोसेसर में आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसे इनेबल रखना है। अगर आप इसे इनेबल करते हो तब भी आपका OS रन करेगा, अदरवाइज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, स्टोरेज में जाना है। यहाँ पर मैं ISO फाइल को ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको चूज फाइल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लोकेशन में आ गया। यहाँ पर आपको ISO फाइल को ऐड कर लेना है। सिंपली मैं काली लिनक्स को ऐड करना है, सिंपली सेलेक्ट किया, आफ्टर दैट यहाँ नेक्स्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा काली लिनक्स का जो ISO फाइल है वो फिलहाल वर्चुअल बॉक्स के मशीन के अंदर ऐड हो चुका है। तो फिलहाल इस सॉफ्टवेयर में हम अभी काली लिनक्स को रन करने वाले हैं। इसके लिए आपको सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ टाइम लगेगा आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में। बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है वर्चुअल बॉक्स, यहाँ हम काली लिनक्स को लाइव इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर आप फॉरेंसिक मोड में भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। फिलहाल हम इसे लाइव चलाने वाले हैं, लाइव देखते हैं। तो सिंपली मैं लाइव पे सिंपली एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं काली लिनक्स को अभी लाइव इंस्टॉल कर रहा हूँ। प्रोसेस में आपको कुछ टाइम वेट करना है, बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है, तुरंत से इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस सिंपली आपको वेट करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो कालिनिक्स का मशीन है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से आप अपने कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हो। कालिनिक्स ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसके कुछ टूल्स के बारे में। फिलहाल आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। हमने देखा कि कैसे कालिनिक्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके से आप कुछ स्टेप को फॉलो करके कालिनिक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।